सकता है और जमीनी भी। हम अमन चाहते हैं लेकिन दिफा का हक रखते हैं। मुझे बिल्कुल रद्द अमल का खदशा है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान कोई और भी हरकत कर सकता है, किसी और अंदाज की इजाजत कर सकता है। वो हवाई हमला भी कर सकता है और वो जमीनी हमला भी कर सकता है। मुझे बिल्कुल रद्द अमल का खदशा है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान कोई और भी हरकत कर सकता है, किसी और अंदाज की इजाजत कर सकता है। वो हवाई हमला भी कर सकता है और वो जमीनी हमला भी कर सकता है। भारतीय जारियत और पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई, हुकूमत और अस्करी क्यादत की पार्लिमानी रहनुमा को इन कैमरा ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान इन कैमरा इजलास में शरीक नहीं हुए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, DGISPR और DGMO ने पार्लिमानी रहनुमा को ब्रीफिंग दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी इन कैमरा इजलास के लिए पहुंचे। परचम के तले एक है, फॉर्म पूरी को साथ मिला के बाहर की चोटी की तरह खड़े रहेंगे। उसको बता देंगे कि वो क्या समझता है, अपने आप को उसने हिम्मत कैसे की कि हमारी सरदों में दाखिल हो। पाकिस्तान ने दुश्मन के इकट्ठे की और फौज पाकिस्तान की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कैपेबिलिटी है वो फिर सामने आई है और मुझे उम्मीद है कि अब नरेंद्र मोदी जो है होश के नाम लें। भारतीय हुकूमत के तर्जुमान की इंतहाई मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफियों को सवाल भी नहीं करने दिए। रवीश कुमार ने भारतीय तैयारा गिरने और पायलट के लापता होने का एतराफ किया। एक पाकिस्तानी तैयारा गिराने का दावा भी किया लेकिन किसी सवाल की इजाजत नहीं दी। सहाफियों को शुक्रिया कहकर चलते बने। पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड दिस मॉर्निंग। वन पाकिस्तान एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट वाज शॉट डाउन। वी हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट वन MiG-21। The pilot is missing in action. Thank you very much. That concludes the briefing. We are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. DGISPR ने भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी एफ-16 तैयारा गिराने की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहते हैं एक्शन में कोई एफ-16 तैयारा इस्तेमाल नहीं किया गया। इन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा हो। पाकिस्तान का गिरफ्तार भारतीय फौजी अभिनंदन से बेहतरीन सलूक। अभिनंदन के हाथ में चाय का कप, अच्छे सलूक का सबूत। विंग कमांडर अभिनंदन ने बयान में कहा कि पाकिस्तानी फौजियों ने बहुत अच्छी देखभाल की। ये बात रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ। अगर भारत वापस गया तो वहाँ जाकर भी यही बात कहूँगा। And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jamaat, from his soldiers. And thereafter, the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as. And I am very impressed by the Pakistani army. Oh, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And which aircraft you would fly? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? भारतीय पायलट गिरफ्तार करने वाले फौजियों का शानदार इस्तकबाल। आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दर्जनों लोग जमा हो गए। शहरों ने फौजी गाड़ियों पर गुलपाशी करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।